नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में। हाल के महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो विनायक दामोदर सावरकर को पोस्थोमसली भारत रत्न घोषित किए जाने की प्रक्रिया को वो लोग फिर से शुरू करेंगे। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय राष्ट्रपति के आर नारायणन को सन 2000 में प्रपोज किया था कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, मगर नारायणन उस फाइल पर बैठे रहे और बाद में विदाउट कमेंट लौटा दिया। वाजपेयी अगर चाहते तो फाइल दोबारा भेज सकते थे और नारायणन को मजबूरन साइन करना पड़ता, लेकिन वाजपेयी ने राष्ट्रपति के पद को इस तरह से अंडरमाइन नहीं किया और बात वहीं खत्म हो गई। 2003 में उस समय लोकसभा के स्पीकर शिवसेना के मनोहर जोशी ने एक नया इनिशिएटिव लिया और सावरकर का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगवा दिया। इनिशियली किसी ने अपोज नहीं किया, लेकिन बाद में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को खत लिखकर इनॉग्रल सेरेमनी में शामिल ना होने की अर्जी दी। राष्ट्रपति ने माना नहीं उनकी बात, लेकिन लगभग पूरे ऑपोजिशन ने फरवरी 23, 2003 के इस फंक्शन को बॉयकॉट किया। इससे साबित हुआ कि सावरकर अभी भी बहुत पोलराइजिंग और कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रपोजल विवादास्पद था। ये आइडिया अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि भाई इसके बाद तो सिर्फ नाथूराम गोडसे बचेंगे जिनको सम्मानित करना बचा रह जाएगा। बीजेपी ने प्रपोजल के डिफेंस में कहा कि पहले की सरकारों ने अपने आइकॉनिक लीडर्स को इस तरह से पुरस्कृत किया, तो अब इस सरकार भला क्यों नहीं कर सकती। आखिरकार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों को भारत रत्न दिया गया है। यहां तक कि नेहरू और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थे जब उनकी सरकार ने उन्हीं को सम्मानित किया था। भारत रत्न का सिलसिला दरअसल 1954 में शुरू हुआ था जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया था। सबसे पहले सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को ये अवार्ड दिया गया। 1955 में रूल्स में संशोधन किया गया और मृत्यु उपरांत भी भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाने लगा। यह फैसला डिबेटेबल था क्योंकि भारत के इतिहास में रत्नों की कमी नहीं थी। अगर हम सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं तो क्या गांधी जी को नहीं देना चाहिए? और अगर बात सिर्फ महाराष्ट्र के किसी ऐतिहासिक फिगर की हो, क्योंकि ये अनाउंसमेंट ठीक चुनाव के बीचों बीच किया गया है, तो क्या बाल गंगाधर तिलक किसी भी पर्सपेक्टिव से कम इम्पॉर्टेंट थे? सवाल ये उठता है कि इतिहास में हम कब तक और कितना पीछे जाएंगे? छत्रपति शिवाजी, अकबर बादशाह, सम्राट अशोक, कोई भी छूट नहीं सकता है। और क्या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद, मीराबाई जैसे अनेकों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? 2014 में जब इस सरकार ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का फैसला अनाउंस किया था, बहुत लोगों ने प्रपोज किया था कि जिनकी मृत्यु 1954 के पूर्व हो गई हो, उनको सम्मान देने का सिलसिला खत्म किया जाए हमेशा के लिए। भारत रत्न फॉर सावरकर कैंपेन एक तरह से पुनः पैंडोराज बॉक्स खोल देगा। लेकिन बात दरअसल सिर्फ सावरकर और उनको भारत रत्न देने की नहीं है, असल बात इतिहास की है
और ये सरकार किन किन ऐतिहासिक पर्सनालिटीज को नेशनल पैंथियन ऑफ ग्रेट्स में शामिल करना चाहती है। इतिहास एक अजीब सी परिस्थिति में है, उसे कुछ राजनीतिक घट गुलाम या स्लेव बनाते हैं और बाकियों के लिए इतिहास एक बीकन ऑफ लाइट की तरह है जिससे वे पुरानी गलतियों को ना दोहराने की सीख ले सकते हैं या फिर पुराने पॉजिटिव्स को रीकास्ट करके जनता और राष्ट्र की उन्नति में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास को गुलाम वो लोग बनाते हैं जो समकालीन राजनीति में विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं। उनके लिए अनिवार्य है कि अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा एक्यूज करें कि वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रिसेंटली बनारस में सेमिनार में इनॉग्रल भाषण दिया। BHU में इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था गुप्त वंशक वीर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। इस सेमिनार का मूल उद्देश्य एक और ऐतिहासिक फिगर को वीर का लेबल देना था। वक्ताओं ने स्कंदगुप्त की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने भी विदेशी इन्वेडर्स को रिपेल कर दिया। उनकी वीरता का एक और कारण राष्ट्र को कंसोलिडेट करके अखंड देश बनाना था। अमित शाह का एजेंडा राजनीतिक था, ऐतिहासिक नहीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जरूरत है इतिहास को भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से रीराइट करने की। इस बात में कोई डाउट नहीं कि हमारा इतिहास हमारे पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन कॉलोनियल या फॉरेन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा इतिहास लिखने वाले या समझ रखने वाले कम से कम हिंदुस्तान में अब बहुत कम हैं। बात दरअसल ये है कि अमित शाह या फिर संघ परिवार के तमाम संगठनों और नेताओं का भारतीय दृष्टिकोण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक आइडेंटिटी पर आधारित है। जब भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है, संकेत दिया जाता है कि इतिहास में जो कुछ तथाकथित गलत हिंदुओं के साथ हुआ उसको अंडू करना चाहिए। इतिहास को रीराइट करने का मतलब है कि हम इतिहास को सिर्फ धार्मिक प्रिज्म से ही देखें, औरंगजेब को सिर्फ मुसलमान बादशाह माने और ये कि उनके साम्राज्य का एक्सपेंशन का मूल पर्पस सिर्फ इस्लामिक कंसोलिडेशन था। हम ये भी इग्नोर करें कि उनके अपने भाई दारा शुको के साथ हुई जंग में सबसे बेहतरीन हिंदू जनरल जसवंत सिंह और जय सिंह औरंगजेब के साथ थे, ना कि उनके भाई के साथ। इतिहास का भारतीयकरण या हिंदूकरण करने का मतलब ये भी है कि हम इस बात को डिसरिगार्ड करें कि छत्रपति शिवाजी ने अपने नेवी में बड़ी संख्या में मुसलमानों को एम्प्लॉय किया था। यहां तक कि उन्होंने अफजल खान की हत्या करने के बाद उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफनाया था और उनके मजार को मेंटेन करने के लिए एनुअल धनराशि एलोकेट की थी। ये मजार 2004 में विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट्स के प्रोटेस्ट के बाद आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। वास्तविकता ये है कि शिवाजी इस्लाम और मुसलमानों का आदर करते थे। वे उन हिंदुओं से भी रिश्ते रखते थे जो किसी वजह से कन्वर्ट हो गए थे। इतिहास में भारतीय यानी हिंदू व्यू पॉइंट से पुनः लिखित इतिहास के प्रोजेक्ट में सावरकर को भारत रत्न से गौरवान्वित करना एक अहम कदम है। तमाम ऐतिहासिक फिगर्स की तरह सावरकर भी यूनिडायमेंशनल नहीं थे। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे और देश के सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की सराहना करते थे। सावरकर का विजन पूरी तरह से इंक्लूसिव नहीं था और वे हिंदू और मराठा एक्सक्लूसिविटी की बात अक्सर करते थे, मगर उन्होंने 1857 की घटनाओं को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। सावरकर मानते थे
कि विद्रोही अंग्रेजों को इतनी बड़ी चुनौती इसलिए दे पाए क्योंकि सर्वधर्म और स्वराज ये रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हिंदू मुसलमान शेयर करते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ और एकजुट खड़े हुए थे। मगर एक बार सावरकर सेलुलर जेल अंडमान आइलैंड में ना क्या गए तो उनका सारा का सारा एंटी इंपीरियलिस्टिक आउटलुक गायब हो गया। एक जमाने के रिवोल्यूशनरी फाइटर जिन्होंने अपनी जान राष्ट्र के लिए जोखिम में डाली थी, एक के बाद एक अंग्रेज सरकार को माफीनामा लिखने लगे। साथ ही जेल में रहते हुए वो हिंदुत्व के फाउंडिंग पंडित या आइडियोलॉग बन गए। इसके बाद ब्रिटिश शासन को उनसे कोई खतरा ही नहीं रहा। 1911 से 1937 के 26 साल लंबे पीरियड में सावरकर ने हिंदू मुस्लिम डिविसिवनेस को तरह तरह से प्रमोट किया। अल्टीमेटली जब उनको पूरी तरह से आजाद घोषित किया गया, सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं ज्वाइन किया और अपनी पूरी एनर्जी हिंदू महासभा को एक वायबल पॉलिटिकल पार्टी बनाने में लगाई। उन्होंने तो आरएसएस को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। सावरकर कभी भी आजादी की लड़ाई में शामिल भी नहीं हुए। अजीब विडंबना है कि बहुत सारे डिफरेंसेस सावरकर और संघ परिवार में होने के बावजूद आज तमाम नेता नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और अमित शाह जैसे उनके लिए भारत रत्न के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। एक प्रमुख वजह, संघ परिवार के इतिहास में कोई नेशनलिस्ट लीडर नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई में एक्टिव रोल प्ले किया हो। उनका मेन एम्फेसिस हिंदू समाज को स्ट्रेंथन और मिलिटराइज करने का ही था, ताकि वे सो कॉल्ड हिस्टोरिकल इंडिग्निटीज का जवाब दे सकें। सावरकर को गौरवान्वित करने का मूल कारण उनके द्वारा हिंदुत्व को पॉलिटिकली कोडिफाई करना है, लेकिन ये बात पब्लिकली नहीं बोली जा सकती क्योंकि दुनिया भर में अलार्म बेल्स बजने लगेंगे। चूंकि ये प्राइमरी रीजन नहीं साइट किया जा सकता है, सावरकर के रिवोल्यूशनरी अतीत को रिजरेक्ट किया जा रहा है। पूरे भारतीय इतिहास को रीराइट करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शुरुआत सावरकर से जुड़े हुए इतिहास से की जा रही है। उनको भारत रत्न देना एक अहम कदम होगा, ताकि इतिहास के कुछ वास्तविक पन्ने विलुप्त हो जाएं या रिप्लेस हो जाएं। लेकिन मुझे आशा है कि हम सच्चाई को कभी नहीं भूलेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।